नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए झारखंड सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत बीते 15 दिनों के अंदर विदेशों से आने वाले यात्रियों को ट्रेस कर जांच की जाएगी। जो पॉजिटिव मिलेंगे उनका सैंपल जीनोम सीवैक्सिंग के लिए भेजा जाएगा, साथ ही उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा या फिर अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। नेगेटिव आने वाले को भी 7 दिन आइसोलेट रहना होगा। वहीं विदेशों से आने वाले यात्रियों को पिछले 14 दिनों के ट्रेवल हिस्ट्री को एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। 1 दिसंबर से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग शुरू की जाएगी। लक्षण मिलने वाले यात्रियों को तुरंत आइसोलेट किया जाएगा। ऐसे यात्री अगर पॉजिटिव मिलते हैं तो कॉन्टैक्ट में आने वाले को भी ट्रेस किया जाएगा। नए वेरिएंट को देखते हुए सभी जिलों के एंट्री पॉइंट पर चेक पोस्ट बनाकर रैपिड एंटीजन और आरटीपीसीआर जांच की जाएगी। आदेश के अनुसार हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित इलाकों में पॉजिटिव मिल रहे मरीजों के सैंपल को जीनोम सीवैक्सिंग के लिए भुवनेश्वर भेजा जाएगा। जिलों में जांच भी बढ़ाई जाएगी, साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर भी सख्ती बढ़ेगी। नए वेरिएंट का कहर रोकने के लिए टीकाकरण भी तेज करने को कहा गया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।